तो देखिए, फोन के गाने को अगर आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपका चार्जर केबल होगा, यहाँ पे देखिए चार्जर केबल है, इस चार्जर केबल को हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये चार्जर केबल निकाल लिए। अब यहाँ पे जो आपका लैपटॉप का पोर्ट होगा, इस पोर्ट पे आपको यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले लगा दिए हैं लैपटॉप में, यहाँ पे इस तरह, ये देखिए लगा दिए। लगाने के बाद आपको ये जो दूसरा केबल है, ये जो केबल है देख सकते हैं, ये केबल आपको अपने फोन में लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं फोन है, इस फोन को हम पहले ऑन कर लेते हैं। ये देखिए फोन अभी, और इसका यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे हम लगा लेंगे, क्योंकि जितने सारे सॉन्ग होते हैं तो यहाँ पे हम फोन में लगा लेंगे। तो जरा सा एक सेकंड रुकते हैं जरा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फोन लगाए तो इसका चार्ज होना शुरू हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिएगा, आप अपना मोबाइल का लॉक खोलिएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हैं नो डाटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर ऑटो। तो आपको यहाँ पे फाइल ट्रांसफर ऑटो पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका अभी जो मेरा लैपटॉप है, देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप है, तो इसको हमने यहाँ पे क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं ये बड़ा स्क्रीन करने के लिए। अब यहाँ पे अपना जो फोल्डर होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फोल्डर जो है, ये फोल्डर शो हो रहा है। ये भी देखिए माउस का कर्सर पे अभी यहाँ पे दिखाएंगे आपको हम, यहाँ पे ये देखिए माउस का कर्सर दिखा रहे हैं, ये फोल्डर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से डिस्क पीसी पे आ जाना है। ये देखिए डिस्क पीसी पे हम आ गए। अब डिस्क पीसी पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका मोबाइल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो यहाँ पे देख सकते हैं शो हो रहा है। ये देखिए रेडमी नोट 10 प्रो है, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे फाइल्स हो गए ऊपर आ जाता है, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो आपका सॉन्ग होगा आपको यहाँ पे इस तरह निकाल लेना है मोबाइल में, और आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर को निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक लिखा होगा, आप कोने में देख सकते हैं, म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक खेसारी भाई का गाना है, इसको हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इस तरह आपको जितना सारे सॉन्ग होगा यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से ऑल सेलेक्ट हो जाता है इस तरह, देखिए ऑल सेलेक्ट हो गया। तो आप अपने ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा एक तो सेंड लिखा होगा, मोर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जैसे कि अनदर, जैसे कि कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिर से मोर पे क्लिक करना है, और क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है, और लिखना है यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे सॉन्ग लिख देता हूँ, SONGS सॉन्ग्स, ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये सॉन्ग्स आ गया लिखा हुआ, तो ये देखिए सॉन्ग्स का फोल्डर है, यहाँ पे देखिए सॉन्ग का लिखा हुआ है फोल्डर, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है, मतलब कि जितने सारे सॉन्ग है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे सॉन्ग आपको लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉन्ग लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये सॉन्ग का फोल्डर लिखा हुआ आ गया, और इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आ गया यहाँ पे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे कहीं भी आपको यहाँ पे रख सकते हैं, इसे डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए सॉन्ग आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो गया। तो इस तरह आप सॉन्ग को लैपटॉप में डाल सकते हैं फोन का। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इस तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।